सही, उनका तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये समझिए। जो मैंने आपका सिलेक्शन हुआ मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, उनके इंटरव्यू लेके आऊंगा, खुद बताएंगे सर ने हमें ये स्ट्रेटेजी दी थी और उसी के कारण मेरा सिलेक्शन भी हुआ। ठीक, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी की डेट आ चुकी जो 17 अगस्त लगभग। अब अगर हम देखें तो 40 से 50 दिन बचते, 50 दिन भी ना कहो लेकिन हम 40 दिन लेके चलेंगे। और एक चीज समझिए, 40 दिन में आप अगर ये बातें जो मैं आपको बताऊंगा अगर फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन बात ये होती है जो बातें हैं आप लोग फॉलो कर ले तब, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो ये वीडियो आ गया तो मैं कुछ ऐसे देख के बस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। तो आप ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, टाइम आपका 2-4 मिनट का जो है वो छोड़ दो और रील देखिए और इंजॉय करिए। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, चाहते हैं यहाँ सिलेक्शन हो और जो बताया जाए उन चीज़ों को आप करते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन आपको बातें माननी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो टॉपर्स जो चीज़ों को फॉलो करते वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 महीने सिर्फ मेहनत की और उनका सिलेक्शन हो गया है, ऐसी चीज़ों को उन्होंने मतलब दोहराया है, किया है। पहले मैं देखिए एक चीज़ और मैं करता हूँ, मैंने 2 भागों में लोगों को डिवाइड किया है। यहाँ दो भाग क्या है देखिएगा, यहाँ 2 तरीके के लोग हैं। एक लोग हैं जैसे जो प्रिपेयर्ड है, यानी कि जो तैयारी कर चुके हैं, उनकी तैयारी अच्छी खासी हो गई है, अब उनमें उनके लिए मैंने बनाया है एक स्ट्रक्चर। और जो नॉन प्रिपेयर्ड है, यानी कि जिन लोगों ने तैयारी की है या नहीं की, थोड़ी सी तैयारी की है उनके लिए है, लेकिन जिन्होंने अभी तक किताब ही नहीं उठाई है बिल्कुल भी, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। देखो ये उनके लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत सिलेबस देखा है, पढ़ा है हल्का फुल्का, मैथ भी पढ़ी है, जीएस भी पढ़ी, थोड़ी बहुत जानते हैं जीएस क्या होता है, मैथ क्या होती, थोड़ी बहुत उन्हें पता है। अब वो नहीं कि जिन्होंने सब गिनती के लिए फॉर्म तो डाल दिया था उसके बाद से उन्होंने कभी कॉपी नहीं उठा के देखी, तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जो साफ है आपको बुरा लगेगा शायद कमेंट में, आप लोग गाली भी देके जाएंगे, लेकिन अब आपको कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक 2-3 साल हो गए लगभग, अगर अभी तक कोई भी कुछ नहीं देखा, ना पढ़ा है ना कुछ किया है, बस फॉर्म डाल दिया था, तो सिलेक्शन होना मुश्किल ही है। अब तुक्के लग जाए वो बात अलग है कुछ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ जो प्रिपेयर्ड लोग हैं उनको क्या करना है, ठीक है। जो प्रिपेयर्ड लोग हैं वो लोग क्या करें, तो देखिए पहले तो आप देखिए सिलेबस, सिलेबस में आ क्या रहा है। अब पता लगे आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा सिलेबस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कह सकते हो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, ठीक है। टोटल वैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, और 1.5 घंटे समय मिलता है, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 25 क्वेश्चन मैथ के हो गए और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, और साइंस के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसके क्वेश्चन आ रहे हैं आपके रीजनिंग के, सबसे ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने जो आपको बताना है जो तैयारी कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखिएगा। आती प्रिपेयर्ड लोगों की बात, जो प्रिपेयर्ड है वो क्या करें, सबसे पहले बात आती प्रिपेयर्ड लोगों को क्या करना है। और देखिए ये चीज उनके लिए भी लागू है जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा शायद सोचे प्रिपेयर कर लगे नहीं, बहुत जिनका अच्छी तरीके तैयारी है, ठीक ठाक उन्होंने एवरेज तैयारी कर रखी है, उनके लिए भी वो इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जो मतलब ठीक ठाक पढ़ चुके मैथ, जिनको थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते टॉपिक सारे एक उनको, जैसे मैथ है तो मैथ के हर टॉपिक अच्छी तरीके से तो नहीं लेकिन ठीक ठाक आते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उनमें से क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कुछ न्यू नहीं करना है, यानी कि नया कुछ नहीं करना है। पता लगे आप सोचे कि अब ये किताब खरीद लेते हैं मैथ की या ये रीजनिंग की किताब खरीद लेते हैं, इससे देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपने मैथ पढ़ रखी है आपको, और ये भी नहीं सोचिए कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरीके से नहीं आता, अब मैं क्या करूं पहले मैं इसे पढ़ लूं, नहीं। अब आप करिए क्या, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट, और कौन से प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के, जो ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी एएलपी वगैरह जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अब प्रैक्टिस सेट लेने के बाद आपको करना क्या है, उनमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए अभी क्या है, मार्केट में बहुत तरीके के प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन भी अभी अवेलेबल है, मैं आपको नहीं बताना चाहूंगी कौन सा, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं प्रैक्टिस उससे, ठीक है। अब आप करना क्या, प्रैक्टिस सेट आपने लगाया, अब आप करें क्या, देखो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, ये नहीं कि बड़ा आसानी से हो जाए। और फिर मैं उनको भी बताऊंगा जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की थी, उनको भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ, ये आप लोग भी देखिए जिन्होंने मेहनत नहीं की है, तैयारी नहीं की है, क्योंकि ये आपको आगे थोड़े दिन कुछ ये भी करना पड़ेगा, लास्ट के 10-5 दिन। अब आप करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब आप देखिए जब प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते लास्ट में उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, यानी प्रैक्टिस सेट लगाया आपने नंबर देखिए छोड़ दी, नहीं,
अब उसको जितना ज्यादा आप एनालाइज कर लेंगे, वही मेन होता है काम, प्रैक्टिस सेट का वही काम है। और लोग यही गलती कर देते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा के मार्क्स दे के खत्म खेल। नहीं, अब वो करना कि आपने मैथ पहले लगाया, ठीक है, आपके मैथ 25 में 15 क्वेश्चन सेट सही हुए और 10 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आप देखोगे कि 10 क्वेश्चन किस टॉपिक से मेरे गलत हुए। अब आप उनको नोट करोगे वो क्वेश्चन को और टॉपिक को। अब आप रीजनिंग में भी क्वेश्चन लगाओगे, कुछ गलती हो, कुछ सही, उनको भी नोट करो। अब मैथ और रीजनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब साइंस और जीएस आती है, उसमें भी आप थोड़ा सा देखते रहिए क्या है, लेकिन इनमें दोनों में क्या करना है आपको, अब फिर से दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए, 2 सुबह शाम, डेढ़ डेढ़ घंटे का होता, 3 घंटे इसमें दीजिए और देखिए। लगभग 3-4 दिन जब दोगे तो देखोगे कि मेरे ये टॉपिक और ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। अब बस क्या करना है आपको, जाके कहीं अगर कोर्स लिया है, कुछ किया है, या कोई आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो उन्हीं उन क्वेश्चंस को, उन्हीं उन टॉपिक को सही से फिर से मजबूत करिए और प्रैक्टिस सेट देते रहिए। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट छोड़ दें, प्रैक्टिस सेट आपको देते रहना है, साथ में आपको 2-3 घंटे उन टॉपिक में देना है जो टॉपिक आपके फंस रहे हैं, जिनमें आपके क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, जहां पे कमी आप कर रहे हो, गलती कर रहे हो, उनमें आपको ये 2-3 घंटे देना है, ठीक है। और वो प्रैक्टिस सेट आपको देते रहना है, ये नहीं कि अब मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट छोड़ दें, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपके जीवन की। प्रैक्टिस सेट में कितने भी कम मार्क्स आए, और मैं उनको भी कहना चाहूंगा जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, वो एक प्रैक्टिस सेट तब भी दें, गलत हो कैसा भी हो करते रहिए, ये जरूर करिए, ठीक है, ये एक्सपीरियंस है। अब उस लगेगा ये नहीं टाइम बर्बाद हो जाएगा, नहीं, बहुत आपको, अगर आप 10-15 दिन लगातार लगाओगे, खुद अपने आप में आप अंतर देखोगे, ठीक है। अब आप देखोगे जब ये करोगे तो लगभग 10-15 दिन में आपका सब कुछ, जो भी डाउट, जो भी गलतियां हो रही थी, सब खत्म हो जाएंगे आपकी। बस होना क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैंने प्रिपेयर पहले लिखा, जो प्रिपेयर थे उनके लिए। अब ये नहीं पता लगा आपको हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हर टॉपिक में कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर आप न्यू है एक तरह के, ठीक है, तो ये उनके लिए हो गई। अब प्रैक्टिस में देखो, मैथ और रीजनिंग 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में, 25 मैथ में, 55 क्वेश्चन तो यहीं से सीधे होते हैं। मैंने मान लिया अगर आपने अच्छी तैयारी की, 50 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, 50 यहीं से, ठीक है। अब लगभग आप 30 क्वेश्चन जीएस और साइंस से ले आओगे, ठीक है, तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये आपके रॉ मार्क्स होंगे, और फिर नॉर्मलाइज के बाद तो कितने बढ़ जाएंगे पता नहीं, 80 मार्क्स आपके लिए सफिशियंट है। तो इतना आप कर लीजिए अच्छी तरीके से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत कठिन मैथ नहीं आती है। रीजनिंग में मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा आपको, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग यहाँ पे भी क्वेश्चंस को लगाइएगा और देखिएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, ध्यान देना है बस, मैंने आपको क्या है, प्रैक्टिस सेट रोज 2 लगाइए सुबह शाम, ये ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल टाइम और सब कुछ लगा के करके, ये नहीं बस दे दिया फिर बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं, ये समझो बिल्कुल आपको एग्जाम दे रहा हूं, बिल्कुल उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और जीएस में आपको करना क्या, जीएस में आप ल्यूसेंट की किताब आप पढ़ लीजिए, वैसे तो आपको पढ़ा ही होगा ल्यूसेंट, और स्पीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं रेलवे में, वो प्रीवियस ईयर की पूरी बुक होती है स्पीडी की, वन लाइनर में, वो आप पढ़ लीजिए, ये 2 बुक आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, रिवीजन कर लीजिए। और दूसरी बात आपको करना क्या, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको रिवीजन करते जाना है, जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करिए बस, और कुछ ना करिए, और जो अपने नोट्स बनाए उनमें हाईलाइट करते रहिए, जो जो चीज आपको फंस रही है, जहां जहां आपको डाउट होता है उन्हें बस हाईलाइट करिए, बस वही वही चीजें, जो आर्टिकल आपको फंस रहा है, जो टॉपिक, जो नाम, जो पहाड़ पर्वत, जो भी फंस रहा है उन्हें बस हाईलाइट करिए, और जब एग्जाम हो, मतलब होने से पहले, कुछ दिन पहले के लिए आपके लिए ये हाईलाइट मैटर तैयार हो जाएगा, आराम से रिवीजन कर पाओगे, ना तो फिर बहुत अफरा तफरी मच जाती है लास्ट के हफ्ते में, यानी जब लास्ट के 7-8 दिन बचते हैं, बहुत अफरा तफरी होती है, अभी आपके पास बहुत समय है, ये समझिए। चलिए अब ये करते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनको क्या करना चाहिए, देखिए। अब नए बच्चों के लिए देखा जाए, कहीं ना कहीं ये तो मान ही लो कि आपने गलती कर दी है, ठीक है, लेकिन अभी गलती का पश्चाताप कैसे आप सही करें, क्या करें जिससे आप सही से वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ऐसे ही आप सोच रहे हो, जैसे लोगों बना हुआ बड़ा टेंशन में है कि क्या करूं क्या ना करूं, अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो 40-50 दिन में अब आपको बिल्कुल लग जाना है, 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 2 महीने, 1.5 महीने में क्या जाता है, एक बार लास्ट चांस आप तैयार देखिए ना, प्रैक्टिस ट्राई करके देखिए, शायद हो जाए, क्योंकि 100 में 1 लड़का आ रहा है, तो 100 में 1 लड़का बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 1 करोड़ लगभग, कुछ 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, उसमें इतनी वैकेंसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखो जीएस पढ़नी है ल्यूसेंट से, और ल्यूसेंट में कुछ टॉपिक है उनको पढ़िए, किसको पढ़िए, देखिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, एंशियंट को मत पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, और वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ, ठीक है। और आपने ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली,
अब देखिए, एक होता है विविध टॉपिक, यानी मिसलेनियस कह सकते हो, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन, सबसे पहला कौन, सबसे बाद में कौन, ठीक है, ऐसा ये पढ़ सकते हो। जी तो पहले ये कवर करिए, इसके अलावा फिर बाद में आपको बताया जाए क्या करना है, यही चीज बता कर लीजिए। और साइंस में आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फिजिक्स में ध्यान देना है, फिर उसके बाद आप बायोलॉजी में ध्यान देंगे, फिर केमिस्ट्री में, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आपको करना क्या है, केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमेशा पीरियोडिक टेबल से दो क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल। और फिजिक्स में आप लाइट हो गया, हीट हो गया, इन कुछ टॉपिकों से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से तैयार कर लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा ध्यान से, अब आप क्या करोगे, ये प्रैक्टिस साइंस की, और एक चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखिए कि कैसे आ रहे हैं, उनको भी देखिए, अब वो समझ में आएगा ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर भी साथ साथ पढ़ते रहिए, क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के जो होते हैं वो पढ़ते रहिए, और ल्यूसेंट को रटते रहिए, ल्यूसेंट में जितना भी साइंस का जो भी टॉपिक, साइंस में ल्यूसेंट में जितना दिया गया है, मतलब जो जनरल नॉलेज वाली जो किताब है ल्यूसेंट के अलग, एक साइंस के अलग आती, साइंस के अलग वाली नहीं, जो ल्यूसेंट में साइंस में दिया गया है वो तो बिल्कुल रट ही डालो। और रटना कैसे है, पढ़ो उसको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जैसे तुमने पढ़ा कि ये ऐसे ये युद्ध हुआ था, ये कब कब युद्ध कौन से हुए थे, बोल लो और रिकॉर्ड कर लो, और उनके कान में हेडफोन लगा के, गाने की जगह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की जगह पर वो हेडफोन लगा के अपना ऑडियो को सुनो, और अपना रिकॉल करो कि हाँ इसका क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा आंसर, उसमें तुम बता भी रहे होगे और सुन भी रहे होगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, साथ में एक प्रैक्टिस सेट तो लगाते ही रहो, ये समझो आपको दिन भर 10-12 घंटे देना पड़ेगा, ये नहीं ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा, देखो ऐसे बहुत लोग हैं तैयार करने को, ये सिलेक्शन क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसीलिए कि कैसे अंतर छांटे लोगों में, कैसे फर्क देखें कि यहाँ पे कौन अच्छा है कौन बुरा है, यही तरीका होता है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, और मैथ के लिए आप क्या करिए, आर एस अग्रवाल या एस डी यादव की बुक को पढ़िए, ठीक है, बेसिक से। और ये उनके लिए जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं मैथ को, हल्का फुल्का जानते हैं, वो ये पढ़ें और इसी से रिवीजन करें, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर का थोड़ा बहुत जो पुराना है, लगभग कह सकते हो आज से 6 महीने तक का ना पढ़ो, उससे पहले का पढ़ना है, ठीक है, कह सकते हो 2022 का ना पढ़ना करें, 2021 का पढ़ना, क्योंकि 22 का नहीं आएगा, मैं अभी लिख के दे देता हूँ आपको, 2022 का नहीं आएगा, ये अभी मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया और यही होगा, 22 का नहीं आना है, ठीक है। आएगा कौन सा, 21 का, 21 का पढ़ लो, और तुम्हारा अगर ये सही करो, अगर किस्मत दे गई साथ, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे जो बताया, जो रिवीजन करने वाले जो ये, सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पर जो मैंने बताया था, जो प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए तो फिर बहुत अच्छा चांस है ही, उनका तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये समझिए, जो मैंने आपको बताया था। एक मिनट रुकिएगा जरा, तो जो मैंने आपको बताया है कि जो ये प्रिपेयर्ड लोग हैं इनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अगर जो मैंने बताया है और ये लोग मान गए तो कोई भी नहीं रोक पाएगा इनके सिलेक्शन को, कोई भी, बस जो मैंने बता दिया है 100% उनको फॉलो कर लीजिए, बस महीने भर की बात है, महीने भर मेहनत कर लो, बस आपके हाथ में जॉब होगी, क्योंकि ये जो मैंने बताया है पिछली ग्रुप डी के एग्जाम में फॉलो किया था, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, उनके इंटरव्यू लेके आऊंगा, उनसे बात करवाऊंगा आपकी, आप लोगों को तब विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये सर ने जो बताया वो खुद बताएंगे, सर ने हमें ये स्ट्रेटेजी दी थी और उसी के कारण मेरा सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है। आप लोग आंख बंद करके विश्वास करिए, ये चीजें करिए, और मैं देखो क्लासेस भी लेके आऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस प्रैक्टिस अब होना और कुछ नहीं होना है, ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि करवाए कैसे, क्या होना चाहिए, कमेंट में आप लोग भी बताइएगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी बातें छूट भी जाती है वीडियो बनाते वक्त, बाद लगता है कि अरे ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, तो मैं वो भी पॉइंट आपको बताता रहूंगा। इसके लिए आप लोग मेटेक्सा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिए, मेटेक्सा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।